नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल अनमोल जानकारी में। दोस्तों, में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घरों की सुंदरता के लिए अपने घरों के आगे फूल और पौधा जरूर लगाते हैं और आप भी जरूर लगाते होंगे। लेकिन दोस्त, इसी पौधे के क्रम में जो आप खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपने घरों के लुक को आकर्षित करने के लिए जो पेड़ पौधा लगाते हैं, गमलों में जो पौधा लगाते हैं, बहुत सारे लोग कांटेदार पौधा लगाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में एक और पौधा आते हैं जिसे हम अपने घरों की सुंदरता के लिए लगाते हैं। यह पौधा भारतीय इतिहास में वज्र समान कहा गया है, अर्थात इस पौधे को लगाने वाला अपने घर में राजसुख को भोगता है और अपने आसपास अपने वर्चस्व को फैलता है। दोस्तों, इस पौधे के नाम है नागफनी, जो आप हमारे वीडियो में देख लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को इसका जो आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक लाभ बताऊंगा, जो आपके जीवन में एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए, वैन 100% इसके आयुर्वेदिक लाभ जानने के बाद इस पौधे से प्रेम करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात आता दोस्तों, यह पौधा आपको अनेक हो लाभ दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इसका आयुर्वेदिक लाभ सीखेंगे तो इसके आप जो इसका आयुर्वेदिक लाभ सीख करके दूसरे का उपचार करके भी पैसा कमाना सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो वास्तु टिप्स गुरु का मकसद है जान कल्याण एवं अपने ही भारत के ज्ञान प्रचार करना। आयुर्वेद जो समाप्त हो रही है हमारे भारत, हम चाहते हैं कि आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो ना हो, इसलिए हम फिर से आयुर्वेद की तरफ। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि आयुर्वेद को समझो, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। तो मैं आप लोगों को फिर से आयुर्वेद की जानकारी भारत की आम जनता गांव में, कस्बों में, शहरों में, प्राचीन समय में अभी जैसे सुख सुविधा उपलब्ध नहीं थे, तो जैसे कर्ण भेदन कर्ण छेदन होता है था, कानों में छेदा किया जाता है जिसे कानों में जैसे कि बाली पहना जाता है। दुकान में छेदन के लिए प्राचीन समय में नागफनी के कांटे से ही कान में छेदन किया जाता था, क्योंकि दोस्तों इसके कांटे में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इस कारण ना तो था और ना ही उसमें भरता था, इसी कारण इसे बजरी का के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा नागफनी के और भी अनेकों औषधि लाभ है, प्रयोग है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम विस्तार से जानते हैं नागफनी के आयुर्वेदिक लाभ एवं दुर्लभ प्रयोग। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों यार में आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, आप सब हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। अगर कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, चेंज ऑनलाइन आने पर मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो आखिर यह नागफनी है क्या? दोस्तों, नागफनी एक एक्टर्स है जो सूखे तथा बंजर स्थानों पर उगता है, जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा उगता है। दोस्तों, इसकी तना पत्ती के समान होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा गुदा होता है और इसकी जो पत्ती है ये कांटे के रूप में ही बदलता है। ये 2 से 4 मीटर तक ऊंचा, सीधा, अनेक शाखा वाला और कांटा से युक्त होता है और ये कई वर्ष तक बिना पानी के जीवित रहता है। अधिकतर आपने देखे होंगे पानी की कमी वाले स्थान पर ही ये उगता है और दोस्तों इसे बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। नागफनी जो फल होता है गोलाकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है और ये आधे पक्की होने की अवस्था में बहुत और पूरे पकने पर दोस्तों गहरे लाल रंग का हो जाता है। तो चलिए नागफनी के हम सर्वप्रथम नाम जान लेंगे, फिर इसका आयुर्वेदिक प्रयोग सीखेंगे। तो नागफनी का वानस्पतिक नाम है वो पुरुष या इलेक्टिव और दोस्तों तो इससे कई जगह कैक्टस लीटर के नाम से जानते हैं और ये जो है स्कूल का पौधा है। दोस्तों, इससे अंग इसे हिंदी में नागफनी या फिर हट के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसी के नाम से जानते हैं और उर्दू में इसे नागफनी ही बोला जाता है, गुजराती में इसे चाइटा के नाम से जानते हैं, बंगाली में नागफन बोलते हैं, नेपाली में सुथ भेद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप कौन सी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं या फिर कौन सी देश से आप हमारे वीडियो को देख रहे हो और इसे आपके किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आइए जानते हैं इसकी औषधि प्रयोग। वीडियो को ध्यान से देखिए, ये आधे बीच में छोड़कर के मत जाना आना, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों को ध्यान हमेशा काम आता है। आज जो आप नागफनी की ज्ञान ग्रहण करेंगे बिल्कुल या आने वाले समय में आपको लाभ जरूर देंगे। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ध्यान हमेशा काम ही आता, जानकारी से लोगों को लाभ जरूर मिलता है। दोस्तों, नागफनी स्वाद में कड़वी ने पर मधुर और प्रकृति में बहुत गर्मा होती है। नागफनी कब को निकालती है?
हृदय के लिए लाभकारी होती है, खून को साफ करती है, दर्द दर्द तथा जलन में आराम देती है। इसके तने के गूदे को पीसकर आंखों के बाहर चारों तरफ लगाने से आंखों के अनेक रोग ठीक होते। जैसे दोस्तों आंखों में लालिमा आ गई है तो ना फनी के तने से कांटे को सबकल सारी से पीसकर बीच में से फाड़, इसे बीच में से फाड़ने और इसके गुथे वाले जो भाग है इसे कपड़े में लपेटकर आंखों पर रखने से जैसे आंखों में लालिमा है आंखों में जो दर्द है ये दूर करता है। इसके बाद दोस्तों ये खांसी का रामबाण इलाज है। खांसी और दम फूलने यानी कि दमा जैसे रोग में दोस्तों नागफनी का प्रयोग काफी वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं और ये फ्री का दावा है। तो 10 मिल नागफनी के फल के रस में दोगुना मधु मधु अर्थात शहद मिलाकर के 350 मिलीग्राम टंकर मिला ले और दोस्तों इसका सेवन करे तो खांसी और दमा फूलने की परेशानी में ही बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। अब इसका दूसरा भी प्रयोग सुनिए। नागफनी के फल की छाल के 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से भी खांसी, दमा और काली खांसी जिसे हम कुकुर भी बोलते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। आयुर्वेदिक दावा सबको फायदा नहीं देता तो नुकसान भी नहीं करते दोस्तों, तो इसलिए हम आयुर्वेद पर बहुत विश्वास करते हैं। नागफनी के उपयोग से कब्ज की बीमारी में भी लाभ मिलता है। दोस्तों नागफनी में ही में पेट को साफ करने का भी गुण होता है, तो 1 से 2 ग्राम नागफनी के फल के चूर्ण का सेवन करने से कब्जा समाप्त होता है और मल खुल करके आता है। या फिर दोस्तों नागफनी के फल के बीज मिल जा, यदि 1 से 2 ग्राम इसके फूलों के चूर्ण का सेवन किया जाए तो जो पे जिसकी शिकायत होती है इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं इसके और भी दुर्लभ प्रयोग। दोस्तों ये खून बनाने का मशीन है। बिल्कुल ही आपने सत्य सुना ये खून बनाने का मशीन है। तो शरीर में खून की कमी है तो शरीर का रंग पीला दिखाई देने लगता है और कमजोरी भी आता है। तो दोस्तों नागफनी का इस प्रकार से प्रयोग करके आप अपने शरीर में जो खून की कमी है उसे दूर कर सकते। तो नागफनी के पके हुए फल का प्रयोग करने से खून की कमी से बिल्कुल ही शरीर का जो पीला पड़ना होता है ये दूर होता है नागफनी की आप जो है फूल का प्रयोग कर सकते। इसके फूल को सूखा करके बना लीजिए और इसके चूर्ण को सुबह शाम खाली पेट में खाना शुरू करें। चुन चुन कितनी मात्रा में लेना है तो आधा चम्मच की मात्रा में लेना, बिल्कुल ही आपके खून की कमी दूर हो जाएंगे। इसके बाद ये लिकोरिया को दूर करता है। दोस्तों सफेद ब्रदर यानी की जो लिकोरिया है यानी मार्ग से सफेद पानी का जाना है महिलाओं की बहुत ही आम बीमारी है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफी खराब असर पड़ना है और कमजोर तथा महिला जो है पीला पड़ जाती है। तो नागफनी के फल के 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से सफेद ब्रदर यानी कि दोस्तों लिकोरिया रोग में बहुत ही लाभ मिलता है। नागफनी के सेवन से पुरुषों में होने वाले सुझाव यानी कि गोनोरिया, जैसे हम सुझाव को गोनोरिया बोलते, यह रोग में भी बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों आज नहीं बल्कि मैं आप लोगों को काफी लंबे समय से कहते आ रहा हूं कि आप जो है आयुर्वेद को समझे। आयुर्वेद में जीवन छुपा है और आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। दोस्तों हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। और दोस्तों सबसे ज्यादा हमें शुक्रिया अदा उन महापुरुषों को कहना करना चाहिए जो कि आयुर्वेद की किताबों को लिख लिए है। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे भी आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होते हैं, अनेक प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आजकल दोस्तों फैशन सा बन गया है, जहां थोड़ा बहुत किसी की कोई समस्या आती है, बीमारी होती है, छोटी बहुत बीमारी होती है तो डॉक्टरों के पास जाना एक छोटा सा फैशन ही बन गए हैं। दोस्तों इस फैशन से बचना है, जो मेडिसिन दवा है हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। हाँ हाँ बुखार है थोड़ी बहुत जो काम आता है आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मेडिसिन दवाई यूज कीजिए जी, कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसमें मत करना क्योंकि शरीर को अंदर से खोखला करता है। लेकिन जो ये आयुर्वेदिक दवा है इस शरीर से जो अंदर से शरीर को मजबूत करते हैं दोस्तों, और आपके जो जीवन शक्ति है उसे बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों जो ये नागफनी है, जलन सूजन और दर्द इसमें इसका प्रयोग होता है। नागफनी में एंटीसेप्टिक गुण के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए दोस्तों यह दर्द सूजन और जलन ये आदि में बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। तो नागफनी के पत्ते को अच्छी तरीके से पीसकर के जोड़ों पर लगाने से जोड़ों में हुई जो सूजन है ये समाप्त होता है और इनमें होने वाली जो जलन है ये दर्द जो होता है जलन होता है दर्द होता है इसमें भी लाभ मिलता है। या फिर खून की गर्मी के कारण होने वाली जो चलन है या फिर दर्द है तो नागफनी के तने को करके लगाने से भी बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है।
इसके बाद ये चर्म रोग तथा घाव को ठीक करने का रामबाण दवा है। इसका हमें 3 प्रयोग बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो नागफनी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए अनेक चर्म रोग में काम आता है। नाग घाव को शीघ्र भरता है जो शुगर की बीमारी से परेशान रहते हैं। ऐसे पेशेंट जिनके घाव जल्दी ठीक नहीं होते, संक्रमण बढ़ते हैं, उनके लिए रामबाण साबित होंगे। या फिर अगर आपके घर में पशु है जिसमें संक्रमण बढ़ चुके हैं, कीड़े लग गए हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम घर में जो पशु पालते उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसमें आप इसका प्रयोग कीजिए, बहुत ही लाभ मिलेंगे। और इन प्रयोग को सीख करके आप दूसरे को भी बताई। अपने तक ज्ञान को मत रखना, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। तो नागफनी के तने के गूदे को पीसकर घाव पर लगाने से घाव शीघ्र भर जाता है। कीटाणु के कारण जो संक्रमण होते हैं, घाव को ठीक करने में काफी लंबे समय लग जाते हैं। तो दोस्तों इसे पीसकर के घाव पर लगाई है, इससे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। आएंगे दूसरा प्रयोग, नागफनी को पीसकर त्वचा पर लगाने से दाद, खुजली और चर आदि जो रोग है ठीक होते हैं, और चोट के कारण आई जो सूजन है, जलन है, ये भी ठीक हो जाते हैं। इसके तीसरे प्रयोग सुनिए नहीं है, यदि फोड़े कच्चे हैं और पकना रहे हो तो नागफनी के पत्ते को पीसकर गुनगुना गर्म करके फोड़ों पर लेप करने से फोड़े जल्दी पक जाते हैं, फूट जाते हैं और बहुत ही आसानी से पकड़ के फूट जाएंगे। दर्द नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आइए जानते हैं या पीलिया के रोग में भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित हुए हैं। भगवान ना करे को पीलिया हो। दोस्तों, जब पीलिया की बीमारी किसी को होती है तो ये खून को पानी बनाने लगता है, बिल्कुल ही खून को पानी बनाने लगता है, और कभी कभी पीलिया गंभीर हो जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो पीलिया के रोग में भी ये लाभकारी साबित होता है। गायब है, किस प्रकार से होता है जानिए। तो नाक के पके फलों का प्रयोग पीलिया के रोग में रामबाण दवा साबित हुए है। तो आप जो है आयुर्वेद की चिकित्सा अनुसार पीलिया के रोग में इसका इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया की बीमारी को ठीक करने के लिए इसके वो पके फल हैं। इसे धूप में सुखा करके बनाया जाता है और इसे दोस्तों आधे आधे चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ में सेवन कराया जाता है। फिर भी यह प्रयोग करने से पहले किसी आयुर्वेद की जो जानकार है उनका परामर्श या सलाह जरूर लेना हो सकता है। ये आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक साबित हो जाए या उल्टी भी करा देता है। अब आइए जानते हैं नागफनी के उपयोगी हिस्से क्या क्या है। तो नागफनी जो उपयोगी हिस्से से दोस्तों संपूर्ण इनके हिस्से का प्रयोग होता है। फूल है, फल है, तना है। तना का प्रयोग खास करके पीस करके, जैसे कि जोड़ों में दर्द होता है उसमें इसका ज्यादा प्रयोग होता है। तो दोस्तों, नागफनी की आयुर्वेदिक जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, आप भी इसके आयुर्वेदिक लाभ को सीखें, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके नए नए पेड़ पौधे की दुर्लभ प्रयोग को सीखें, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे ईश्वर के प्रथम स्वरूप है। पेड़ पौधे से हमें अनेक प्रकार के लाभ मिल जाते थे, तो क्यों जा करके हम फालतू में अंग्रेजी दवा में अपने पैसे को बर्बाद करें। सर्वप्रथम तो हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, जब लाभ न मिले तब हमें अंग्रेजी की तरफ भागना चाहिए। अंग्रेजी जो दवा है इससे शरीर को अंदर से खोखला करता है और आयुर्वेदिक दवा शरीर को अंदर से मजबूत करता है। अमृत जो है दोस्तों आयुर्वेदिक दवा में छुपा होता है। अमृत का मतलब क्या है? स्वास्थ्यवर्धक गुण, जो कि हमें अंदर से मजबूती प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल में अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार के और भी आपको आयुर्वेदिक एवं दुर्लभ पेड़ पौधे की जानकारी मिलती रहे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी यहां आयुर्वेदिक लाभ सीखने को मिले, ताकि दोस्तों हमारे भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी एक बार पुनः सबके प्रयास से फैल सके। एक लाइक तो बनता है। जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।